हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए बहुत ही सिंपल और टेस्टी चाय के संग खाने वाला स्नैक्स, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। और ये स्नैक्स अंदर से जितने सॉफ्ट होते हैं, ऊपर से उतने ही क्रिस्पी होते हैं। खाने में ये बहुत ही स्वादिष्ट लाजवाब लगते हैं और बनाना इसे उतना ही आसान है। तो चलिए हम इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। मैंने इस रेसिपी को बनाने में घर में मौजूद जो हमारे बेसिक से इंग्रेडिएंट्स होते हैं, मैंने उन्हीं का इस्तेमाल किया है। तो चलिए हम इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। वैसे इस रेसिपी को वेज लॉलीपॉप भी कहा जाता है, लेकिन हमारे इधर तो इसे वेज कटलेट ही कहते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक बाउल में लेंगे 5 से 7 सूजी के रस्क। इसे हम छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे और फिर इसे हम चॉपर में डालकर अच्छा सा ग्राइंड करके पाउडर बना लेंगे। पाउडर ज्यादा बारीक भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए। रस्क को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसे साइड में रख देते हैं और हम वेज कटलेट बनाने की तैयारी करते हैं। इसके लिए एक बड़े बाउल में लेंगे 8 से 10 उबले हुए आलू। मैंने आलू को उबालकर ठंडे कर लिए हैं। अब इसे अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे। आप चाहें तो ग्रेटर से इसे ग्रेट भी कर सकते हैं। अच्छे से जब आलू मैश हो जाए, तब इसके अंदर हमने जो इंग्रेडिएंट निकाल के रख रखे हैं, इसके अंदर ऐड करेंगे। मैंने 1 टीस्पून साबुत जीरा डाला है, 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ बीटरूट और अपने स्वाद के अनुसार हरी मिर्च, 2 बड़े चम्मच उबला हुआ मटर, 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ गाजर, 1 इंच अदरक का टुकड़ा बारीक कटा हुआ और 1 छोटा प्याज, वो भी मैंने बारीक काट लिया है, 2 बड़े चम्मच रोस्टेड पीनट जिसके मैंने छिलके उतार कर क्रश कर लिया है और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हरा धनिया, 1/2 टीस्पून काली मिर्च क्रश किया हुआ। आप इसकी जगह पर चिकन मसाला या मटन मसाला वो भी डाल सकते हैं, लेकिन काली मिर्च का फ्लेवर ज़्यादा अच्छा होता है। साथ ही टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, मैंने 1/2 टीस्पून नमक डाला है, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, लाल मिर्च 1/4 टीस्पून और 1/2 टीस्पून गरम मसाला। सभी सूखे मसाले ऐड करने के बाद हम बाइंडिंग के लिए डालेंगे कॉर्नफ्लोर 3 टेबलस्पून और 3 से 4 स्पून बेसन। अब हम इस मिक्सचर को अच्छे तरीके से मिक्स करके अच्छा सा डो तैयार कर लेंगे। हमने इसके अंदर जो कॉर्नफ्लोर डाला है, कॉर्नफ्लोर डालने से आलू के अंदर जो मॉइस्चर होता है वो कॉर्नफ्लोर के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है और जब तेल के अंदर हम इसे डीप फ्राई करते हैं तो आलू तेल के अंदर फैलता नहीं है। इसीलिए कटलेट की अच्छी बाइंडिंग के लिए हमें कॉर्नफ्लोर का जरूर यूज करना चाहिए। अब हम एक बड़े बर्तन में जो हमने रस्क का पाउडर बनाया था उसे निकाल लेंगे और मिक्सचर से हम एक अच्छी सी शेप बनाएंगे। शेप बनाने के बाद हम एक आइसक्रीम की स्टिक लेंगे और उसके ऊपर अच्छी सी शेप बनाने के बाद हम रस्क पाउडर में अच्छे से इसे कोट कर देंगे। वैसे जनरली जब वेज कटलेट बनाया जाता है तो सब्जियों को थोड़ा सा फ्राई कर लिया जाता है ताकि उसका कच्चापन दूर हो जाए, लेकिन मैंने इस वेज कटलेट के अंदर ज़्यादातर बॉइल चीज़ों का इस्तेमाल किया है और जो चीज़ें मैंने जो इंग्रेडिएंट्स डाले हैं उसे ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं होती है। जब ये ऑयल में हम इसे डीप फ्राई करेंगे तो वैसे भी वो पक जाएंगे और जिन सब्जियों का मैंने इस्तेमाल किया है उसमें थोड़ा क्रंची बाइट हो तभी वो सब्जियाँ ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। अगर आप चाहें तो सब्जियों को पहले थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए 4 से 5 मिनट के लिए, फिर आप आलू के अंदर इन सब्जियों को डालकर मैश करिए। आप वेज कटलेट के अंदर कैप्सिकम, बीन्स और पत्ता गोभी भी डाल सकते हैं, जो भी आपके पास जो आपके इधर इजीली सब्जियां मिल जा रही हों। एक एक करके हम सभी वेज कटलेट को अच्छी सी शेप देंगे और रस्क पाउडर के अंदर अच्छे से कोट कर देंगे और हम सभी कटलेट्स को तैयार कर लेंगे। कटलेट को तैयार करने के बाद हम इसे डीप फ्राई करेंगे। डीप फ्राई करते समय हमें इसे ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं। मैंने ऑयल पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था, हमारा ऑयल बहुत ही अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम एक एक करके इसके अंदर वेज कटलेट डालेंगे और इसे हम कम से कम एक साइड से 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे।
दो से तीन मिनट के बाद हम थोड़ा सा इसे हिला देंगे ताकि ये आपस में चिपके नहीं और अच्छे तरीके से चारों तरफ से कुक हो जाए। जब अच्छे से कुक हो जाए चारों तरफ से, तब हम इसे ऑयल में से बाहर निकाल लेंगे। देखिए हमारा ये बहुत ही अच्छे तरीके से कुक हो गया है, बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा कलर आया है। अब हम इसे निकाल लेंगे और सेम इसी तरीके से बाकी के वेज कटलेट को भी हम फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो वेज कटलेट को एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं, वो भी खाने में बहुत स्वादिष्ट बनते हैं। तो है ना बहुत ही आसान घर पर बनाना वेज कटलेट। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार जरूर बनाकर ट्राई कीजिए, यकीन मानिए बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। और हाँ, जब भी आप वेज कटलेट बनाएं तो इसके संग पुदीने और हरे धनिए की चटनी जरूर बनाएं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो आप भी इस रेसिपी को बनाइए, खुद भी खाइए और पूरे परिवार के साथ एंजॉय कीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और ना पसंद आए तो डिसलाइक कीजिएगा। और दोनों ही सूरत में अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।